टाइम चेंज हम थोड़ा सा देख तो इसमें हमने कुछ डिस्कस किया था कि आपका कोई हम पार्टिकल ले रहे थे कि वो आपका किसी सर्टेन हाइट से क्या कर रहा था, एक किसी हाइट से हमने देखा था कि ये ऊपर से नीचे आ रहा था। ओके, दिस इज हाइट यू एच ना, ये हमने कुछ देखा था। और ये आपका पार्टिकल के यहाँ पे इस पोजिशन पे लाइक आ रहा था। ओके, तो ये कुछ हमने इसका डायग्राम देखा था कि एक्सेलरेशन इसका कैसे प्रोड्यूस हो रहा था। तो हमने देखा था आपका जो एंगल दैट इज योर समथिंग लाइक इट्स योर, ये एंगल अगर आपका थीटा था। ओके, हमने देखा था ये कुछ इस तरीके से आपका ये जो एक्सेलरेशन था ना, जो प्रॉपर एक्सेलरेशन थी, ये वाला पार्ट आपका दे रहा था जी साइन थीटा ना, ये वाला पार्ट आपको दे रहा था इट विल बी जी कॉस ऑफ थीटा, और ये एंगल हमारा थीटा फॉर्म कर रहा था। ओके, तो हमने ये देख लिया था हमारा जो ये एक्स जो हमारा पार्टिसिपेट कर रहा था है ना, यानी जो रोटेशन के लिए एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा था दैट इज योर जी साइन थीटा। तो इसके लिए हमने इक्वेशन निकाला, हम इसके लिए निकालना चाहते थे वो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इसका हमने कुछ फॉर्मूला हम देख रहे थे। तो हमने गैस के लिए यूज किया था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as s ना, ये हमने कुछ निकालने गया था। अब इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो हो गया था, व्हाट इज योर इनिशियल वेलोसिटी इज योर इट्स जीरो है ना, एंड योर फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन में लिख गया था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a Yes. यहाँ से हमने x का एक्सप्रेशन निकाला था, x का हमने एक्सप्रेशन निकाला था ना, x का एक्सप्रेशन हमें मिला था, व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ s कि आपका ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा है ना, इसका हमने कुछ एक्सप्रेशन निकाला था, कितना था वो लिखा आपने? हाँ, s का एक्सप्रेशन था s इज इक्वल टू हाइट बाय साइन थीटा h ओवर योर इट्स साइन ऑफ थीटा है ना। तो इसका वैल्यू हम देख रहे थे, अगर हम इसे पुट करते हैं देन यू यू विल गेट 2 इनटू योर जी साइन थीटा इनटू योर एच ओवर साइन थीटा। और ये हमने टोटल डिस्टेंस कवर, हां टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस पार्टिकल मींस ए टू बी है ना, ये कितना कवर करेगा दैट इज योर एस, दिस इज डिफाइंड बाय अगर हम इसका साइन थीटा डिफाइन निकालें इसका देन वी विल गेट इजीली दिस इक्वेशन है ना। और यहाँ से हमको ये साइन थीटा से साइन थीटा रिमूव हो गया, देन फ्रॉम हियर वी गेट v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g h। ओके, ये हमको यहाँ से इसका हमें आइडिया मिल गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, कि ये आपका रोल करता होगा अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। अच्छा, इसका हम एक्सप्रेशन सिर्फ यही नहीं निकालेंगे, इसका एक्सप्रेशन हम आगे जो वर्क एनर्जी का चैप्टर है उसमें भी इस पे रिलेटेड आपका काफी एक्सप्रेशन जो होगा हम डिस्कशन होगा ये इंक्लाइन प्लेन पे कैसे वेलोसिटी हुआ, बट यहाँ पे भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके भी इसका वेलोसिटी निकाल के देखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई थिंक आपका जो ये यूनिट है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये आपका यहाँ पे कम्प्लीट हो जाता है। इसमें आई थिंक ये टाइम क्या कह रहे हैं, टाइम टेकन हमें निकालना था, इसका टाइम टेकन निकालना, तो इसका टाइम टेकन निकाल लेते हैं हम लोग कि इसका टाइम हम निकाल लेते हैं। तो इसका टाइम के लिए हमारे पास कौन सा इक्वेशन हम यूज करें है ना, तो हमें पता है इसका एस पता है हमको, तो एस का इक्वेशन यूज कर लेते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस योर हाफ जी टी स्क्वायर है ना। तो यहाँ से एस हमको पता है, व्हाट इज एस इज योर एस इज योर एच अपॉन साइन थीटा, अब ये पार्ट तो आपका जीरो हो गया, ये हो गया 1/2 of gt square, तो ये एक्सप्रेशन हो गया आपका gt square is equals to 2h by जो sin theta, और g को भी आप इधर ले आ दें तो ये 2h by g sin theta, so you will get t is equals to square root of twice h over g sin theta, this is expression for your
ये कुछ इतना टाइम लेगा है ना, जो कि डिपेंड करता है हाइट पे, डिपेंड कर रहा है टाइम का, और जी इज योर कांस्टेंट और योर और एंगल, इंक्लिनेशन ऑफ एंगल. हाँ इंक्लिनेशन, ये दो एक्सप्रेशन हमें यहाँ से रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मिल गया. ओके तो नेक्स्ट अब हम इंटरेस्टेड हैं कि हम करना चाहेंगे मोशन इन ए प्लेन के बारे में. यही नया जो आपका यूनिट है दैट्स ए मोशन इन ए प्लेन, वो काफ़ी सारा इस पे रिलेटेड हमने स्टडी कर लिया है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जहाँ से हमको बेसिकली हमको तीन इक्वेशंस का यहाँ से आइडिया मिला है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s एंड जो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, हाफ टी स्क्वायर. हाँ तो ये हो गया. ठीक है तो ये हो गया. नाउ नेक्स्ट वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडी इन ए मोशन इन ए प्लेन है ना, तो देखते हैं इसमें थोड़ा सा आगे मोशन. ठीक है सो मोशन इन ए प्लेन इज नथिंग बट आपका उसी का ये हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है कि आप भाई स्ट्रेट लाइन तो आपने देख लिया कि पार्टिकल अगर अभी तक एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था यानी वन डायमेंशनल इसमें मोशन था, यानी किसमें था वन डायमेंशन, या तो ये एक्स में अलग से हम देख रहे थे मूव कर रहा है, या हमने देखा था कि पार्टिकल आपका वाई एक्सिस में मूव कर रहा है जो कि फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट देखा था, या तो डाउनवर्ड या अपवर्ड. ठीक है तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने देखिए. तो यहाँ पे अभी हम इंडिविजुअल स्टडी कर रहे थे एक्स की, या तो इधर एक्स की इधर वाई की. नाउ अब हम इंटरेस्टेड हैं कि हम भाई स्टडी करना चाहते हैं प्लेन में कि भाई अब आपका कोई पार्टिकल है वो आपका टू डायमेंशनल सरफेस जो कि हमारा रियल स्पेस है, मतलब ज्यादा इसका आपका यूज पड़ेगा टू डायमेंशनल, और बेसिकली तो थ्री डायमेंशनल है पर टू डायमेंशनल हम देखते हैं जरा कि अब हम थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं कि व्हाट इज टू डायमेंशनल प्लेन में हमारा क्या ऐसा क्या इसका ये एनालिसिस क्या कैसा क्या आता है. ठीक है तो ये हम टू डायमेंशनल एक हमने सरफेस बना लिया. अगर मान लो इस सरफेस में हम एक पाथ चूज कर लेते हैं, मान लो पार्टिकल आपका कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है यहाँ से कहीं ये इस तरीके से गया. ठीक है तो मान लो कोई पॉइंट ए हम इसमें चूज करते हैं, सपोज वी चूज ए पॉइंट ए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे हैं सपोज यहाँ पे एक जो आपका ये कट कर रहा है होरिजेंटल एक्सिस को, दिस इज योर एक्स. ओके और यहाँ पे जो ये वर्टिकल एक्सिस को कट कर रहा है दैट्स योर पॉइंट वाई बोल लेते हैं, तो ये डिस्टेंस आपकी वाई हो गई एंड द एक्सिस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर पॉइंट ए आर क्या हो गए एक्स कॉमा वाई. ये कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके, दीज कोऑर्डिनेट्स आर योर एक्स कॉमा वाई. ठीक है अब सपोज में क्या करते हैं हम एक छोटा सा डिस्टेंस इसमें चूज कर लेते हैं, छोटा सा डिस्टेंस माइनर हम डेल्टा एक्स चूज कर लेते हैं. या ये डिस्टेंस आपका डेल्टा एक्स है तो ये पॉइंट हो गया आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स. ओके एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको ये पॉइंट इधर मिलेगा वो कितना मिल गया दैट्स अगेन हमने एक डेल्टा वाई चूज किया ना, तो ये हो गया आपका वाई प्लस डेल्टा वाई. तो ये दो पॉइंट हमको मिल गए है ना, और पार्टिकल मूव किया है फ्रॉम ए टू ये बी, यहाँ तक इसका मोशन हुआ ए टू बी. ठीक है तो ये हो गया, यानी इसके कोऑर्डिनेट आपके कितने हो गए एक्स कॉमा वाई, और इस नए जो हमने जो डेल्टा एक्स थोड़ा सा हमने लिया है अपना पोजीशन में शिफ्ट दैट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड योर वाई प्लस डेल्टा वाई. ये दो कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास है ना. तो अब अगर हमें ये डिफाइन करना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम, सपोज यहाँ पे आपका जो पॉइंट गया है दैट इज टाइम टी पे आपका कोऑर्डिनेट था आपका, एट टाइम टी पे आपका कोऑर्डिनेट था दिस इज योर एक्स कॉमा वाई है ना, नेक्स्ट योर एट द पॉइंट एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे, यानी टी प्लस डेल्टा टी पे आपका कितना हो गया ये हो गया आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स. ठीक है एंड कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई. ओके ऐसा कुछ हमारा ये आ गया क्या बोलते हैं शिफ्ट इन योर कोऑर्डिनेट. तो इसके बेसिस पे अगर हम एक स्मॉल डेल्टा लें यानी द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल
कितना हो गया ये टी टू डेल टी प्लस डेल्टा टी, कितना हो गया डेल्टा आर इज नथिंग बट योर ए बी ना। इस ए बी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये अगर हम ये पॉइंट ले लें यहाँ से चूज कर लें छोटा सा, ये ड्रॉ कर लें हम परपेंडिकुलर और इस पॉइंट को सी डिफाइन कर लें, देन इट्स ए सी प्लस योर सी बी, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज योर डेल्टा एक्स इंटू वेक्टर आई कैप प्लस डेल्टा वाई इंटू वेक्टर जे कैप, यानी ये एक्स एक्सिस पे आपका ये डेल्टा एक्स मूव हुआ ना और वाई एक्सिस पे ये वाला पार्ट डेल्टा वाई मूव हो गया, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, दिस इज योर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम टी टू डेल्टा डेल्टा टी मींस फ्रॉम ए टू बी, दिस विल योर क्या हो गया, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें एक छोटा सा मैथमेटिकल फंक्शन यूज कर रहे हैं, मतलब वी आर मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय डेल्टा टी, है ना। तो इसमें अगर हम ये पार्ट करते हैं मीन डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी योर वेक्टर आई कैप प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी इनटू जे, ओके ये हो गया। तो इतना तो आपने हमने हमने देख ही रखा है आपको मैंने काफी सारा, तो दिस इज ऑल अबाउट योर मतलब ये एक एवरेज का आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया देगा, है ना। और इस एवरेज में इफ वी अप्लाई लिमिट, वी अप्लाई लिमिट है ना, इफ वी अप्लाई लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, है ना, तो आपका फिर ये क्या हो गया, अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई कर दें थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी ऑफ योर आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी ऑफ योर क्या हो गया जे कैप, जे कैप। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा, तो ये आपको क्या देगा, इट विल गिव यू वेलोसिटी, है ना, है ना, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी आपका क्या होगा, दिस इज योर वेलोसिटी और ये आपका क्या होगा विद द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मींस वी ऑफ एक्स आई कैप प्लस वी ऑफ वाई इनटू जे कैप, वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, है ना, वेलोसिटी इन, या इसको और थोड़ा है ना मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक स्टेप और था इसके बाद, दैट इज व्हिच इज को यहां से देखें ऐसे, दिस इज dx dr / dt, हां dx, हां या dr / dt इज इक्वल टू dr / dt इज इक्वल dx dt + dy / dt ऑफ j कैप, एंड दिस विल गिव यू द वेलोसिटी, है ना। सो द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज, यानी vx इज इक्वल टू क्या है आपका, द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज dx / dt dt and your y component of the velocity is dy is equals to dy by dt, ठीक है। So these are x and y component of your velocity. अब हम simultaneously दोनों को हमने study कर लिया by using this expression, है ना, by using this our expression, ठीक है। तो ये हो गया velocity का component. अच्छा जब हमें velocity निकाल लिया तो इसी के basis पे हम acceleration भी define कर सकते हैं, कैसे, if we take again the derivative of your equation, this one is again, yeah इस equation का हम फिर से एक बार derivative लें, if we take derivative of equation one, derivative with respect to किसके respect में लें, t के respect time में ना, delta t, yeah डेल्टा टी टी के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, अब डेल्टा टी की जो होती है सीधे इंस्टेंटेनियस के बाद, तो इसमें आपको मिलेगा यू विल गेट डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया डी वी एक्स बाई डी टी ऑफ योर आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी ऑफ योर जे कैप, ओके। इन दिस केस योर डी वी एक्स बाई डी टी ये क्या हो गया एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन प्लस इधर भी dy/dt ले लेते हैं एंड एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन एंड दिस इज योर टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है।
इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को डिफाइन करेंगे, यानी वेलोसिटी एक्सेलेरेशन को हमने क्या कर दिया, कंपोनेंट के फॉर्म में डिवाइड कर दिया, है ना। तो आप इसको इंडिविजुअल भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मींस फ्रॉम हियर यू कैन सी योर ax इज dvx / dt, ay इज योर dy / dt। सिंपल, बहुत मतलब इसमें आपको अच्छा, तो इसके बेसिस पे होगा। अब आपको जब भी कोई स्टडी करनी, मान लो आपको एक पार्टिकल दिया हुआ है, वो एक प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है, एक प्लेन में मूव कर रहा है ना, एक्सिस में प्लेन में मूव कर रहा है, तो भाई अब आपको जब भी इसका एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड कर देंगे। आप उसका अलग से एक्स निकालेंगे, अलग से वाई निकालेंगे। अभी हम इसे बेसिक प्रॉब्लम भी करेंगे ना, तो जो आपने हमने अभी इक्वेशंस की थी, आवर प्रीवियस इक्वेशंस फॉर योर मोशंस की इक्वेशन की थी, तो फॉर द इक्वेशंस ऑफ मोशन in a plane, the equations of motion in a plane can be defined as, कैसे define कर सकते हैं इनको? तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब इनको इंडिविजुअल, जैसे आपका जो फर्स्ट इक्वेशन था, जो आपका था क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में देखें, अगर हम सिर्फ इसका x कंपोनेंट लें, है ना, सिर्फ x और x कंपोनेंट, हां तो vx इज इक्वल टू ux प्लस ax बाय मल्टीप्लाइड बाय t, या दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड अगेन v x स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax, है ना, या x ले इसको, या इस x ले ले इसको, एंड योर फॉर x इक्वेशन मींस x इज इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt axt होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन फॉर योर x के लिए, और y के लिए क्या हो गई, v of y is equals to u of y t plus a y t, है ना, minor one v of y का whole square is equals to u of y का whole square plus 2 a y t, and the last one, अब ये x की जगह क्या हो जाएगा, y is equals to u of y t plus half of ay t का होल स्क्वायर, ठीक है, या ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दीज आर इक्वेशंस, अब इन कंबाइंड इक्वेशंस को हम बोलेंगे इक्वेशन इन प्लेन। तो आपके तीन इक्वेशंस प्लेन में कितनी हो गई, 6 6 हो गया, तो आपका ऐसे हो गया, है ना। तो इस तरह हम डिफाइन, बहुत मुश्किल नहीं, इट्स वेरी इजी ना, कुछ करे नहीं हमने, हमने तो सिंपल अपना पुराना फिर से एक बार देख लें, जो कॉन्सेप्ट हमने उठाया, मतलब इसको डिराइव करने के लिए जो कॉन्सेप्ट उठाया वो कुछ नहीं क्या हमने, ये हम पहले ऑलरेडी हम पहले भी ये ग्राफ ऐसा डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हमने जो मैथमेटिक्स है ना, इसीलिए मैंने थोड़ा मैथमेटिक्स में एक दो लेक्चर में इसको समझा था हमने, तो वहां से हमें अब कोई दिक्कत ही नहीं हो, यहाँ पे हमने अब टू डायमेंशन में ले लिया, तो है ना डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में ले लिया, है ना, ठीक है, तो इतना दिक्कत इसमें नहीं हुआ क्योंकि हमने इसकी मैथमेटिक्स को अच्छे से समझ लिया, है ना। तो ये पॉइंट हो गया, तो इसको और बेटर समझने के लिए हम इसका एक इस पे बेसिक प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, ठीक है, एक प्रॉब्लम करेंगे इस पे बेस, तो लिखे होंगे। और आपका सैटरडे को टेस्ट हुआ था आपका एक ना, हेलो, हाँ हाँ, तो वो उसमें अब तो बहुत प्रॉब्लम तो सारी हो रही थी, फिर उसमें कैसे कुछ नहीं हो पाई, कैसे क्या हो गया? हाँ वो लास्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम, अच्छा ठीक था ना, उसमें दिक्कत तो नहीं हुआ कि हुआ दिक्कत आपको? हाँ वो लास्ट क्वेश्चन मेरे से वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। चलो ठीक है, उसको हम देख लेंगे, है ना, और बाकी तो उसने तो हमने सारा किया हुआ है ना उसमें स्ट्रेट लाइन में, तो अच्छा अब हम इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, छोटा सा ये क्वेश्चन करेंगे, या एक क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, इन द एक्स वाई प्लेन विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन,
with a constant acceleration of 1.5 meter per second square in the direction making an angle in the direction making an angle of making an angle kitna angle le raha bana raha hai 45 degree with the x axis ठीक है at time t is equals to 0 at t is equals to 0 the particle is at the origin the particle is at the origin ठीक है पार्टिकल आपका ओरिजिन पे है एंड इट्स वेलोसिटी इज एंड इट्स वेलोसिटी इज 8.0 meter per second along the x-axis ठीक फाइंड द वेलोसिटी एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी फाइंड जो हमें निकालना है फाइंड करना है फाइंड द वेलोसिटी एंड द पोजीशन एंड द पोजीशन ठीक है ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड ये क्वेश्चन है काफी ये क्वेश्चन ही कर लेंगे तो हमारा ये प्रॉपर हमारे इसके सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे है ना ठीक है तो इसमें क्या क्या गिवन है हमें व्हाट इज गिवन इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन हाँ जो कि आपका एक एंगल बना रहा है 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस यानी अगर आप इसको ड्रॉ करें एक्सिस में ड्रॉ करें तो ये एक्सिस ले ली मैंने तो ये बोले एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है आपका एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद योर एक्स एक्सिस ये आपको इतनी है ठीक है नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि एट t is equals to 0 द पार्टिकल एट द ओरिजिन अब t is equals to 0 पे पार्टिकल आपका ओरिजिन पे है यहां पे एंड द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन एंड इट्स वेलोसिटी इज 8.0 मीटर पर सेकंड अब जो वेलोसिटी आपको गिवन है वो किस डायरेक्शन में गिवन है एक्स एक्सिस में अलोंग हां यानी आपको जो इसका जो पार्टिकल ओरिजिन यानी जो इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है आपको ये गिवन है u of x is equals to 8 meter per second along the x-axis u find the velocity and position of the particle आपको निकालना है velocity and position of the particle यानी आपको at t is equals to 0 पे इसका तो velocity निकालना है और इसका position position यानी r निकालना है क्योंकि two dimensional तो r होगा x में भी जाएगा y में भी जाएगा है ना तो क्वेश्चन समझाएगा दो मिनट एक बार ट्राई करके देखें इसको है ना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हाँ वेलोसिटी वेलोसिटी में v इज इक्वल टू हाँ तो देखो आपको देखो सबसे पहला काम तो ये करना है कि अब आपको पहले क्या निकालना चाहेंगे वेलोसिटी की वो पोजीशन मेरे ख्याल से आपको पहले ये निकालना इजी रहेगा अगर आप पहले पोजीशन निकालें तो उसके लिए आपको क्या बोलते हैं या वेलोसिटी जो भी निकालें आपको ये फॉर्मूला जो यूज करेंगे उसके लिए आपको सबसे एक्सेलेरेशन की जरूरत है और एक्सेलेरेशन आपका एक एंगल के साथ दे रखा है तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट निकाल लें आप यानी व्हाट इज योर एक्सेलेरेशन इन योर एक्स डायरेक्शन एक्स में कितना एक्सेलेरेशन होगा और ए वाई में कितना एक्सेलेरेशन होगा एक बार देखें निकालें कितना हो रहा है ए एक्स में और ए वाई में ना। फिर वहां से आपको vx और vy का आइडिया लग जाएगा ये ax और ay हाँ हाँ
कितना गया? एक्स कितना आया? तो वेक्टर नहीं, नहीं ये वेक्टर एडिशन से ना, वेक्टर एडिशन से नहीं, आप इसमें फिर एक परपेंडिकुलर डाल लेना, इसका कंपोनेंट आपने रिजॉल्व कर लिया ना। अच्छा हाँ, ये ऐसे वाला साइन कॉस से आएगा ये आइडिया है ना, साइन और कॉस से। इसका साइन 45 निकाल लें तो वहां से आपको क्या बोलते हैं, कॉस 45 निकाले तो वहां से एक्स मिल जाएगा, और साइन 45 निकाले वहां से ए वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो देखें कितना आ रहा है। तो x कितना हो गया? 1.5 cos of your 45 degree। हाँ है ना, ये आया ना, इसी तरह ay निकाल लें, it's 1.5 sin of 45 degree। Then it will give you some value। ये value इसकी आएगी 1.5 by root 2 और ay की भी 1.5 by root 2। हाँ exactly, ये आपका ये 1.5 by root 2 और ये भी आ गया आपका 1.5 by root 2। ओके, तो अब नेक्स्ट, अब हम वेलोसिटी निकाल लें, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो आपका वेलोसिटी दो, टोटल वेलोसिटी आपका कैसे हो गया, व्हाट इज टोटल वेलोसिटी, इज योर vx i cap है ना प्लस vy j cap है ना। तो आपका अब आपको vx अलग से निकालना, तो vx का फॉर्मूला क्या हो गया, योर vx इज इक्वल्स टू ux प्लस axt ax। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करें, देखें कितना आ रहा है आपका, 8। अब आपको t कितना है, what is t है इसमें, t is equal to 4। Exactly, after 4 सेकंड आपको निकालना, t is equals to after 4 सेकंड आपने कैलकुलेट करना है। तो आपको सारा क्वांटिटीज पता है ना, आई थिंक vx और vy आपका इक्वली आ जाएगा क्योंकि एंगल इज सेम 45 डिग्रीज। हां, तो इसलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन इजी हो गया काफी। तो एक बार जब ये जो हमने कंपोनेंट्स वो कर लिए, तो तब भी हम इसे वेक्टर ट्रीट करेंगे या ना? ना, अगर आप देखो, अब आपने कितना निकाला, vx कितना आ गया आपका, व्हाट इज वैल्यू ऑफ vx, vx इज इक्वल्स टू आपका ux है 8 है ना, और प्लस, और ax कितना हो गया, ax की वैल्यू है 1.5 by root 2 और इनटू योर 4, देन इट विल गिव यू सम न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज, इसका कुछ कैलकुलेशन आप करके देखिए कितना आ रहा है। आपके पास कुछ कैलकुलेशन डिवाइस ना? नहीं, कैलकुलेशन। ओके, तो आप इसको एग्जैक्ट आंसर, तो आई डोंट नो बिकॉज़ इट्स अ प्रॉब्लम एक्सरसाइज। ओके, तो आप इसका कैलकुलेटिंग वैल्यू करके देखते हैं, एक मिनट रुकिए। तो इट विल गिव यू 8 प्लस, ये रूट 2 को हटा दें, तो ये हो गया 8 प्लस 1.5 इनटू योर 2 रूट 2 रूट है ना। तो ये हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी 8 प्लस ये हो गया 3 आपका 3 रूट है ना, तो ये आपका 8 प्लस 3 रूट 2 आ गया। तो इतना इस गुड फॉर्म, ये ठीक फॉर्म है। vx हमको मिल गया, इट्स 8 प्लस 3 रूट 2 3। इसी तरह हम vy निकाल लें फिर, नेक्स्ट आवर कैलकुलेशन फॉर vy, यानी vy इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, इट्स uy u प्लस ay of t and what is your ui, यहां पे कांसेप्ट है, ये ui बताएं आप कितना होगा, ये ui आप 0 होगा क्योंकि दैट्स वेरी गुड, ui इज 0 है ना, ui इज 0। और ay कितना है, व्हाट इज योर ay, ay हमको बताया 1.5 √2 2 योर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, इट्स 4। तो अगेन आपको मिल गया ये इस 2√2 आ जाएगा इसमें, या ना 2 root 2 2 into 2 करके डिवाइड कर दिया हमने root 2 से, तो ये root 2 और डिवाइड बाय 2, तो ये 2 2 जा 4, तो 3 root 2 आ गया आपका, इट्स अ 3 root 2। vy कितना आ गया, 3 root 2, तो ये vx आ गया और ये vy का। अब जब आपका टोटल y, आप v आप लिखेंगे, व्हाट इज टोटल योर v, कम इज योर v इज इक्वल्स टू कितना हो गया,
vx यानी 8 प्लस 3 रूट 2 i कैप प्लस योर नेक्स्ट योर vy विच इज 3 रूट 2 है ना, कितना हो गया 3 रूट 2 j कैप, दैट्स वेरी गुड. So in this way we get velocity which is 8 plus 3 root 2 plus ये आपका velocity मिल गया. तो ये तो आपका velocity component form में आ रहा है. अगर आपसे magnitude पूछा जाए तो magnitude of v आप कैसे define करेंगे, what is magnitude of v, it's under root square of 8 plus 3 root 2 whole square plus 3 root 2 whole square. So this is your magnitude of your velocity, this is what will you will get. This is the whole magnitude of your velocity. ठीक है? ये हो गया आपका velocity. अच्छा इसी तरह आप ये निकालें एक बार. अब position निकाल के देंगे. Position में भी आपको same thing वही repeat करना है calculation. है ना? इस बार आपको क्या करना है? What you have to do? You have to do again. You have to do कि अब आपको अलग अलग क्या निकालना है. पहले आपको x निकालना है ना. First you have to calculate what is your x. हाँ. And then you have to calculate y. x को आप अलग से निकाल लें, y को भी अलग से निकाल लें. x के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें हम यहां पे, uxt, ये ठीक है, uxt plus half axt square, axt square ये हो गया, और यहीं से y का. तो एक बार देखें थोड़ा सा वर्कआउट करके और प्रैक्टिस हो जाएगा. ठीक है, फिर हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना. आज का नेक्स्ट टॉपिक फिर हम अगला स्टार्ट करते हैं आज. और इसमें प्लेन में आपका इतना है, ये एक तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी प्लेन में, और सेकंड थिंग जो प्लेन में है दैट्स प्रोजेक्टाइल मोशन. तो ये दो टॉपिक हमारे मेनली प्लेन में आते हैं, है ना. तो प्लेन में अगर आप फैमिलियर हो जाएंगे तो ये प्लेन में इतनी फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी. y का भी एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूं, इट्स u y of t plus half a y t का होल स्क्वायर. y का एक्सप्रेशन तो आसानी हो जाएगा, इट विल गिव यू बस सिंपल half a y t ऑफ का होल स्क्वायर. x is equal to 32 plus 6 root 2. हां ऐसे कुछ फॉर्म आएगा आपका, बिकॉज़ इट्स इन 8 into 4 plus 1 by 2 x से 1.5 by root 2 into 4 का होल स्क्वायर. तो ये कुछ इतना कैलकुलेशन बनेगा ना. अच्छी तरह इसका ही बनेगा, y का भी एक बार निकाल लें. ठीक है ना. हाँ. न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा सा हमें, क्योंकि बिकॉज़ अंडर रूट 2 का भी वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. इस 32 प्लस ये हो गया आपका कितना बताया आपने, 32 प्लस 8 रूट 32 प्लस 6 रूट 2 में अगर रूट 2 की वैल्यू भी पुट करके, ठीक है इतना भी छोड़ दें, इट्स ओके. हम यहां पे भी प्रैक्टिस कर लें प्रॉब्लम्स का. एंड y का वैल्यू रखते हैं 1 by 2. ay is 1.5 by root 2. इसका 6 by 6 root 6 root 2 आ गया. तो टोटल r कितना हो गया, व्हाट इज योर टोटल r, ये इंपॉर्टेंट है. r is equal to magnitude of r is equal to root 2 plus 6 root 2 of your i component. In this way you can find the magnitude of R. है ना. तो ये बात हो गई है ना. तो ये हमने निकाल लिया इसके x और y कंपोनेंट. अच्छा एक और इसमें क्वेश्चन है जो कि हमारा आगे यूजफुल आएगा, कि अगर भाई वेलोसिटी आपका वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमें पता चल गया, वेलोसिटी का y कंपोनेंट पता चल गया, ठीक है, और हम चाहते हैं कि वेलोसिटी क्या मतलब कितना आपका ये वो बना रही है. द क्वेश्चन इज हाउ मच एंगल वेलोसिटी आपका जो है x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है. तो एक्सीलरेशन आप हो गया है ना,
एक्स एक्सिस थीटा जो आपका बना रहा है द क्वेश्चन, तो टैन थीटा हो जाएगा एग्जैक्टली exactly, मतलब वेलोसिटी का अगर हम एक्स एक्सिस से एंगल निकाल रहे हैं एक्स कंपोनेंट बाय वाई ना वाई कंपोनेंट बाय कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट सो वी वाई बाय योर वीएक्स दिस विल गिव यू द एंगल ऑफ योर वेलोसिटी कि आपका वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, क्योंकि हमें एक्सेलेरेशन का पता है हमें वेलोसिटी का नहीं पता है, देन वेलोसिटी का एंगल होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर एक्सेलेरेशन, है ना, डिफरेंट होना चाहिए ना, तो दिस विल गिव यू मतलब टैन इनवर्स योर इस वी वाई जो कितना निकला वो ऊपर है बताएं एक बार आपकी कॉपी में अगर नोट किया है कितना निकला 32 प्लस 30 प्लस से 6 बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय रूट 6 रूट ना रूट 2 ये आई थिंक एक्स कंपोनेंट था ये हमने इनवर्स लिख दिया हां ये नहीं आया ये एक्स कंपोनेंट है तो हां बस एक्स हां और फिर हमारा x component 30 है ना या तो ये हो गया हमारा 32 plus 6 तो ये कितना कुछ इतना एंगल आपका ये फॉर्म करेगा है ना, तो एक क्वेश्चन हमने कई सारे प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया ओके तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन रिलेटेड टू योर मोशन इन ए प्लेन ठीक है ना। अब हम एक और प्रॉब्लम करेंगे, अब हम अपना एक और नया कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें आज हम इस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू योर प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ठीक है, तो है आपको कुछ आइडिया व्हाट इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन की व्हाट इज वो मोशन आपका अलोंग द y axis आपका जो इनिशियल जो आपका एक्सेलरेशन होगा इट विल बी अलोंग द y ना ना मतलब y. इतना वो मैथमेटिक्स नहीं, मैं थोड़ा फिजिकल पूछना चाह रहा हूं हाउ यू इमेजिन प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कैसे देखते हैं मतलब फॉर एक जनरल एग्जांपल आपका एक पैराबोला शेप बनाएगा। हां अगर आप कोई बॉल को सर्टेन एंगल पे आप थ्रो कर दें कुछ एंगल पे आप इसको थ्रो कर दें देन ये कैसा शेप लेगा, इट विल गिव यू ये किस तरीके जाएगा, ये पहले मैक्सिमम तक पहुंचेगा देन इट विल गिव आपका ये डाउनफॉल आ जाएगा है ना। तो ये टाइप का जो शेप है ये इस टाइप का शेप का अगर हम स्टडी करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही जनरल शेप है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप स्काई में फेंकते हैं देन विल ऑलमोस्ट ये आपको कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा, दिस इज ऑल अबाउट योर पाथ है ना। तो इसमें एक खास बात देखी जैसे मैक्सिमम मिनिमम हमने देखा था, इस पे हमको एक पॉइंट मिलेगा जहां पे हमारा स्लोप क्या हो जाएगा जीरो है ना। एक तो ये पॉइंट हमने अहम बात कर ली, दूसरी बात कि जब आपका इसको इनिशियल वेलोसिटी से कुछ आपको इसको थ्रो करेंगे जैसे मान लो आप यू थ्रो इट विद दिस विद वेलोसिटी इनिशियल यू ये इसका कुछ टेंजेंट आप कुछ इस तरीके से आएगा इस पॉइंट पे है ना ठीक है, और इसको हम कंपोनेंट वाइज में डिवाइड कर लेंगे, दिस इज योर सपोज योर यू इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना है इट्स वेक्टर यू है ना, तो इसका कंपोनेंट अगर ये एंगल थीटा बनाता है आपका एक्स एक्सिस से देन व्हाट इज योर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इट्स यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा एंड इट्स योर यू साइन यू यू साइन थीटा, तो ये हर मोमेंट पे आपका आपका आएगा जैसे आप मान लो यहाँ पे निकालना चाहते हो जो यहाँ पे भी आपका जैसे यहाँ पे टेंजेंटली आपने U आ जाएगा ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे जो वेलोसिटी टेंजेंशियल विल बी टेंजेंशियल टू द पैराबोला या और यहाँ पे ये स्विच हो जाएंगे ना यहाँ पे ये, आपका ये इधर जाएगा और ये इधर आ गया और ये ये आपको हर पॉइंट पे आपको ये कंपोनेंट आपको मिलते जाएंगे हर पॉइंट पे आपको ये कंपोनेंट मिलते जाएंगे, यही कंपोनेंट का हम यूज करके वी विल स्टडी आवर प्रॉब्लम ऑफ आवर प्रोजेक्टाइल मोशन है ना। तो पहले तो हमने इसलिए पहले ब्रीफली इसका डायग्राम को अच्छे से डिस्कस किया कि व्हाट इज व्हाट दिस डायग्राम एक्चुअली शोज है ना, तो इसका यूज करके हम अपने इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास नॉलेज क्या है, मतलब अगर आप पहली बार ये प्रॉब्लम कर रहे होते प्रोजेक्टाइल मोशन में मान लो आपको पास इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होती आपके पास आइडिया होता तो आप कहां से शुरू करते है ना। हां सबसे पहले वो जो u के दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही मतलब कि आप स्टार्ट करते फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ योर u है ना, सो वी हैव वी कैन राइट वी हैव
एंड दिस इज वेरी बेसिक, मतलब हम कहां से स्टार्ट करेंगे, t is equal to आपने जैसे स्टार्ट किया तो आपने एक इनिशियल वेलोसिटी दी, we will start from initial velocity. We have ux is equals to कितना है हमारे पास, u cos theta. And what is your over uy? U sin theta. Uy is equals to u sin theta. ठीक है, तो अब एक बात करते हैं, हमारे पास ये तो हमारे पास डाटा गिवन, अच्छा एक और हमें इसमें क्वांटिटी गिवन है व्हिच इज नेचुरली है कि भाई इसमें जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट थ्रू थ्रू योर पाथ, दैट योर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज योर ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ योर ग्रेविटी, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग योर वाई डायरेक्शन, वो भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन, सो योर एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, दैट इज योर जीरो, एंड योर वाई कंपोनेंट विल एग्जिस्ट और वो क्या होगा, कितना होगा, दैट इज माइनस जी, माइनस जी एग्जैक्टली वाई. तो भाई इतना हमारे पास इनिशियल हमारे पास डाटा है, इनिशियल हमें इतनी नॉलेज है, इन्हीं इसी नॉलेज पे हमें बिल्ड क्या करना है, द होल थ्योरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. अच्छा इस प्रोजेक्टाइल मोशन हमें निकालना क्या क्या, हमें मतलब हमारा क्या निकालना चाहते हैं, एक तो ये हम निकालना चाहते हैं द फर्स्ट थिंग कि इसको यहां से यानी ओ से लेके बी तक आपका जो पूरा इसने पाथ कवर किया इसमें कितना टाइम लगा, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट वी कॉल दिस टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमें कितना क्या क्या इसमें स्टडी करना, द फर्स्ट थिंग वी वांट टू कैलकुलेट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, और यानी इसमें कि जितना टाइम लगा उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं. द नेक्स्ट थिंग हम वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट इज रेंज, द मैक्सिमा हाइट, हाँ वो भी है ना, बट उसके बाद हम रेंज करेंगे यानी कितना आपका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, हां मींस योर डिस्टेंस, हां द डिस्टेंस ob डिफाइंड एज योर रेंज, है ना, यानी डिस्टेंस ob आपका जो है ob इज डिफाइंड एज योर रेंज, हम कैलकुलेट करना है. और आपने अभी बताया मैक्सिमम हाइट रीच जो कि हमको कुछ यहां पे मिलेगा, यानी इस पॉइंट पे हमको मिलेगा यहां पे आपका ये हमको देगा, that is maximum height, इसको हम बोलेंगे capital H, हमको ये calculate करनी है, है ना, और OB is your capital R, है ना, और तो इतना हमें ये देखें तो क्या बोलते हैं मोटा मोटा देखें तीन चीजों का बहुत ही अच्छे से इसमें जो है वो calculation हमें करना है, that is time of flight, maximum height is और your third thing is your distance range. तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना, ये डायग्राम से लेके हम चलते हैं. हम सबसे पहले अपना हॉरिजॉन्टल मोशन अपने डिस्क्राइब कर ले, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन हम बना ले पहले, जिनके बेसिस पे हम ये अपना जो थ्योरी लिखेंगे. पहले बेसिक हम अपने जो हमारा जो इन जो हमारी ये दो डाटा है ux uy ax ay इसके बेसिस हम जरा अपने इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लें, है ना. तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन से, हॉरिजॉन्टल मोशन ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन ठीक. तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमें पता है व्हाट इज योर, अब इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इक्वेशन लगाएं तो इक्वेशन एक तो हम लगा सकते हैं वेलोसिटी की व्हिच इज v इज इक्वल टू ux प्लस ax t d. तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, vx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू ux ux बिकॉज़ ax is zero. ax is equal to zero. हाँ, तो ये आपका zero, तो vx is equals to your nothing but it's u cos theta. u cos theta. That's interesting result कि आपका initial और final आपका एक ही आ रहा है ना, जो component है. अब again vy हम देखें, vy how what is our vy? कितना आएगा, that is uy कितना हो, uy plus ayt. What is our uy? Uy is your u sin theta. U sin. And what is our ay? Ay is your minus g and your t. It's minus g. Into t. So आपका uy का जो equation बना ये कुछ इस तरीके से बनेगा. अच्छा एक और इसमें हम निकालते हैं इसके अलावा. We are also interested to calculate x. Horizontal motion. एक्चुअली ये हमने uy को हमने यहाँ पे uy हमें नहीं निकालना है क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल मोशन की स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये हमारा वर्टिकल में आ जाएगा, इसको अभी बाद में लिखेंगे, इसको निकालने की अभी हमें जरूरत नहीं, हमें ये हमारा वर्टिकल में आ जाएगा. ओके,
तो नेक्स्ट थिंग अगर हम इसमें निकालने में इंटरेस्टेड हैं, दैट इज vx हमने निकाल लिया, नेक्स्ट थिंग हम x निकाल लेते हैं इसका। x आपका हो गया uxt, क्योंकि हमें x के निकालने ना सारा, x uxt plus half of axt square। तो ये आपका कितना हो गया ux into uxt, तो ये कितना हो गया ut cos theta। दो पॉइंट मिल गए हमें यहाँ से, एक तो हमें vx का आइडिया मिल गया और हमें x का आइडिया मिल गया। नेक्स्ट अब हम जरा वर्टिकल मोशन की स्टडी कर लेते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल का किया वैसे ही वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, वही जो हमने निकाला है वर्टिकल मोशन है, पहले तो vy निकाल लेते हैं, जो अभी हमने निकाला कितना निकाला, vy is equals to equal to u y t dt। uy कितना है हमारा, uy is equal to u sin theta, u sin theta minus dt। एक तो हमें इक्वेशन मिल गया। नेक्स्ट हम y निकाल लेते हैं, y is equals to u कितना हो गया u y t plus half of a y t square। तो ये हमको u y is your u sin theta, है ना, into t, and ये हो गया का minus half of a y, कितना हो गया half g t square, g t square, ये कितना आ गया आपका, this is your y। तो काफी सारा हमने equation बना लिया, है ना, तो यहाँ से हमको ये मिल गया। अच्छा यहाँ से एक और हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, विच इज आल्सो हमें फायदा देगा। तो इतना पहले रख लेते हैं, फिर आगे का देखते रहेंगे, जो जिसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो उतना हम निकालते जाएंगे। तो इतना डाटा हमारे पास, हमने ये कर लिया है ना, और ये और एक और इक्वेशन भी अगर हम इसमें लगा दें वी वाई के भी, ये भी हम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा देख लें, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gy, ये भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो एक तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, ये मिल गई यहाँ से, ये और एक ये मिल गई और एक ये मिल गई। तो अब सारा हमारा ये थ्योरेटिकल हमारा सारा सब कुछ रेडी है ना, ठीक है। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं, ठीक है, करके निकालना है ना। तो ये हमने पहले तो इसका हमने बैकग्राउंड समझ लिया कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ योर दिस प्रॉब्लम, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें, थोड़ा सा टाइम ऑफ फ्लाइट से थोड़ा सा देखते हैं कि कितना टाइम लगा, तो उसको देख लेते हैं जरा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट में ये जो पैराबोला शेप है वो सिमेट्रिकल है, तो हम मैक्सिमा के लिए जितना टाइम लग रहा है वो निकाल कर उसे मल्टीप्लाइड बाय 2। या श्योर यू कैन डू दिस, यानी आपका जो टोटल टाइम लग रहा है उससे आप हाफ कर देंगे, देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड। बट मैक्सिमा के लिए आपको फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया कैसे निकालेंगे ये थोड़ा सा है कि आप उसके लिए फिर आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए रहेगी, वो फिर एक अलग है ना, तो वो चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मैक्सिमम हाइट निकालना वो पहले निकालना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, कि उसके बजाय अगर आप पहले टाइम निकाल लें तो वो मेरे ख्याल ज्यादा ईजी रहेगा, बिकॉज यू हैव सम रिक्वायर्ड डाटा, ठीक है, क्योंकि आपका पास जो टोटल टाइम लगेगा आपका उसका एक्सप्रेशन आपको थोड़ा सा आइडिया है ना, क्योंकि जैसे जैसे मान लो आपको इक्वेशन कौन सी आपको गिवन है, दैट इज कि आपको टोटल जो डिस्टेंस कवर किया दैट वो कितना है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जब गया ये डिस्टेंस आपका ओ बी है ना, ओ बी आपका जो डिस्टेंस है ये आपको पता है, दिस इज योर है ना, ये आपकी ये डिस्टेंस कितना है, ओ बी एक्स है जो कि कितना है, कितना निकाला था हमने इक्वेशन एक एक्स का, u cos theta by multiplied by t। हाँ, तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया, यानी x is equals to ut cos of theta, ठीक है। और इस पे हमें एक और भी बात का आइडिया कि y कंपोनेंट इस पॉइंट पे b पॉइंट पे आप जब पार्टिकल पहुंचता है तो उस पॉइंट पे आपका y कंपोनेंट कितना है, जीरो, y हाँ y is zero when particle reaches at point B, यानी भाई जब पार्टिकल पॉइंट B पे पहुंचेगा तभी तो हमको ये टाइम इसका कंप्लीट होगा ना, यानी टाइम at t is equals to zero पे यहाँ से स्टार्ट किया इसने, t is equals to zero और t is equals to कुछ वैल्यू पे जो हमें निकालनी है वो B पे पहुंचा, और B पे हमको एक और बात पता चले कि B पे x की वैल्यू तो ये है बट B पे y zero है, और y की इक्वेशन हमने क्या निकाली है, y की इक्वेशन क्या निकाली अभी हमने देखा ऊपर,
ये है y is equals to y u is equal to u minus half of gt square. भाई यहां से आप ये जीरो कर दें, y की वैल्यू जीरो कर दें, y की वैल्यू हम जैसे जीरो करेंगे हमको मिल गया यहां से ut sin theta minus half of gt square. Square. तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, हाफ gt square को या ut ट्रांसपोज कर देंगे तो ये t से t कट गया, या t से t मत काटें, एक मिनट को ये इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं. हाँ मतलब एक t से t कट जाएगा तो ना, t ना काटें, t बस एक t कॉमन ले लें, कॉमन लेने से हमें एक अलग रिजल्ट मिलेगा, u sin theta minus half of gt equal to zero. ठीक है, तो हम काटने में हमें ये ज्यादा बेटर. अब ये देखो, या तो t जीरो होगा आपका इस इक्वेशन से, फर्स्ट हमें कंडीशन मिलेगी या तो t जीरो होगा या तो दिस क्वांटिटी जीरो है, है ना, और इसको जीरो रखें तो u sin theta minus half of gt is equals to zero. ठीक है, zero. ठीक मिल गया इसको, हाँ. तो यहां से हमें मिल गया half of gt is equals to u sin theta. From here you will get t is equals to 2u sin theta divided by g. So आपको t की दो वैल्यू मिली, एक वैल्यू मिली because it's a quadratic equation, so you will get you can have the two values of t. The first one is t is equals to zero, and the other one is t is equal to 2u sin theta by g. भाई t is equals to zero तो हो नहीं सकता भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचा और टाइम जीरो हो, ऐसा तो हो नहीं सकता. तो योर मैक्सिमम जो टाइम लगेगा दैट इज t is equals to 2u sin theta by g, इसको हम लिखते हैं कैपिटल t से डिफाइन करते हैं, जैसे कैपिटल t is equals to 2u sin theta by g, दिस इज कॉल्ड योर मैक्सिमम योर टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज डिफाइंड एज. तो इसका अगर हम इसमें हाफ करेंगे तो हमारा मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने का वो वैल्यू आ जाएगा. तो जो मैक्सिमम पॉइंट आपका जो वैल्यू मिलेगा, टाइम टेकन बाय रीचिंग एट मैक्सिमम, इट्स t / 2, तो इट विल गिव यू u sin थीटा बाय g. जी, दैट्स आल्सो. तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हमने यार निकाल लिया, तो इसी को फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, अपना रेंज और मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करेंगे, है ना. तो आज हमने क्या क्या किया, हमने आज आते ही सबसे पहले थोड़ा सा एक प्लेन के बारे में स्टडी की, फिर प्लेन पे बेसिक प्रॉब्लम किया, इस पे हमें थोड़ा आइडिया मिल गया वेलोसिटी का इस सब का, और उसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को समझा और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट किया. तो इतना सारा आज हमने ये इतना सारा स्टडी कर लिया है. ठीक है, तो बाकी काम इसका डेरिवेशन बचा हुआ कल करेंगे और इस पे बेस थोड़ी प्रॉब्लम और करेंगे. ठीक है, चलो ओके जमाल, ओके भाई, ओके, गुड नाइट सर.